मोटुल छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र की मोड़िया और गोर जनजातियों की संस्कृति का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह संस्कृति छत्तीसगढ़ के अलावा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश के पड़ोसी क्षेत्रों में भी पाया जाता है। यूनिक कुष्ठ प्रेजेंटिंग बस्तर का घोटुल। दरअसल घोटुल एक प्रकार का झोपड़ी होता है जिसे विभिन्न प्रकार की लकड़ी या फिर मिट्टी से बनाया जाता है। घोटुल को सुंदर बनाने के लिए एवं उसकी सजावट करने के लिए दीवारों में रंग रोगन कर विभिन्न चित्रकारी भी की जाती है। मुरिया और गोड जनजातियों में घोटुल को स्वतंत्र युवा गणराज्य के रूप में जाना जाता है। यहाँ युवक युवतियों को सामाजिक, सांस्कृतिक एवं रिश्ते नातों की जानकारी दी जाती है। घोटुल बस्तर की ऐसी परंपरा है जहाँ जवान युवक एवं युवतियाँ एक दूसरे से मिलकर भविष्य की रूपरेखा तैयार करते हैं। इन युवक युवतियों को स्थानीय भाषा में चेलिक एवं मोटियारिन कहा जाता है। युवक युवतियाँ सूरज ढलने के बाद एक विशेष स्थान पर एकत्रित हो जाते हैं जहाँ पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ नाच गाना करते हैं। अंधेरा होने के साथ ही युवक युवतियों का पूरा समूह जोड़ियों में बढ़ जाता है। ये जोड़ियाँ आपस में एक दूसरे को जानने समझने के लिए निजी वार्तालाप में व्यस्त हो जाते हैं। कहते हैं एक दूसरे के साथ घोटुल में पूरी रात बिताने के कारण यौन संबंध का भी अनुभव कर लेते हैं। यदि दोनों के विचार मेल खाए तो वे एक दूसरे को जीवन साथी भी चुन लेते हैं। बस्तर में घोटुल प्रथा वर्तमान समय में भी पारंपरिक रूप से चल रही है, लेकिन इस आधुनिक युग में घोटुल की यह प्रथा धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। वेरियल विल्विन ने इन जनजातियों पर मुड़ियास एंड देयर घोटुल नामक बुक लिखी है। घोटुल के प्रमुख देवता लिंगोपेन को माना जाता है। बस्तर की इस आदिवासी संस्कृति पर देश विदेश से लोग यहाँ रिसर्च करने आते हैं, परंतु यह परंपरा माओवादियों को नापसंद है। इसके लिए उन्होंने बकायदा कई जगह फरमान जारी कर रखा है जिसके कारण बस्तर की यह संस्कृति अब नष्ट हो रही है। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।